हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं डॉग्स के डीवर्मिंग के बारे में, अर्थात कृमि नाशन के बारे में। डॉग्स को डीवर्मिंग के सभी पहलुओं को जानने के लिए हम लोग डॉग्स को डीवर्मिंग क्यों किया जाए इस पर भी ध्यान देंगे। इस वीडियो को तीन भाग में बांटते हैं। पहला भाग में मैं बताऊंगा कि डॉग को डीवर्मिंग क्यों किया जाए। असल में डॉग्स कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो डॉग से मनुष्यों को हो सकता है। और दूसरे भाग में मैं ये बताऊंगा कि डॉग्स के डीवर्मिंग के शेड्यूल क्या हैं। और तीसरे भाग में मैं ये बताऊंगा कि डॉग्स के डीवर्मिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं, और उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आइए देखते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसमें ये बताया गया है कि चार वर्म्स जो आपके डॉग से आपको हो सकता है। पहला है हुक वर्म। डॉग के पॉटी में, जहाँ पर डॉग का पॉटी डिस्पोज होता है या पैखाना करता है, वहाँ अगर आप नंगे पैर में चलते हैं तो आपको हो सकता है या आपके बच्चे को हो सकता है। हुकवर्म काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इससे अगर हो गया तो आपके हर्ट को भी असर पड़ सकता है। अगला है राउंड वर्म। अगर हो गया राउंड वर्म में, सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर राउंड वर्म हो गया तो वो जो डॉग में कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता है, सिम्टम लेस रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा डॉग में राउंड वर्म है या नहीं है। और वैसे डॉग को अगर आप छूते हैं, छू के खाना खा लेते हैं बगैर हाथ धोए, तो आपको भी हो सकता है थ्रू इंजेक्शन वो जा सकता है आपके शरीर में। अगर चला गया तो आपको जो है शारीरिक परेशानियाँ होगी, जैसे आपको उल्टी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और उसका जो लार्वा है बहुत ख़तरनाक होता है, वो अगर आपके आँख में चला गया, ह्यूमन के आँख में चला गया, तो वो ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। अगला है टेप वर्म। जनरली डॉग को होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए, जैसे अगर वो फार्म एनिमल के संपर्क में है, जैसे गाय भैंस के संपर्क में है, तो उसे हो सकता है और उससे आपको हो सकता है। और अगर ह्यूमन में हो गया तो ये ह्यूमन के लंग्स और लीवर को ख़राब कर देता है, उसमें जो है सिस्ट बन जाता है और खांसी में ब्लड आता है, ये सब होता है। तो इस सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और चौथा है रिंगवर्म। रिंगवर्म एक्चुअली में रिंगवर्म नहीं है, बल्कि आप सभी जानते होंगे रिंगवर्म एक फंगस है जो दांत खाज खुजली के नाम से प्रसिद्ध है। और ये अगर डॉग को हो गया, जैसे लाल लाल चकता चकता दाग हो जाता है, और उससे फिर आपको भी हो सकता है आपको। तो इसीलिए अच्छा होगा कि डॉग को अगर इसमें रिंगवर्म देखेंगे तो तुरंत डॉग का इलाज करवाएंगे और उसी में वो ठीक हो जाएगा, फिर आपको नहीं होगा। अब आती है बात कि आप अपने आप को और डॉग को वर्म से कैसे बचाएंगे। तो इसके लिए आप है कि डॉग को कभी भी दूसरे डॉग जहाँ पॉटी करते हैं वहाँ जाने न दें, खास करके देसी डॉग जहाँ पॉटी करते हैं, स्ट्रीट डॉग करते हैं, उनको जाने न दें, खुद भी ना जाएँ, क्योंकि आपके और आपको उनको उस सभी डॉग से पॉटी से आपको हुकवर्म हो सकता है। तो ये इस तरह के सावधानियाँ आपको बरतने की आवश्यकता है। और उसके जो कचरे हैं या पॉटी है उसको कहीं डिस्पोज कर दें सेफली, ये प्लास्टिक के बैग में या कहीं में किसी में, तो ये सब सावधानियाँ बरतनी। ये है वर्मिंग शेड्यूल फॉर पपीज, डॉग्स, किटन्स एंड कैट्स। इसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट ने बनाया हुआ है और इसे वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त है, और इसे हम भी मानते हैं, इंडिया में भी हम लोग इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। यह है पपीज़ का डीवर्मिंग शेड्यूल। इसे जो है हर 3 महीने तक, हर 15 दिन में डीवर्म करने की ज़रूरत है। 3 से 6 महीने के बीच में वंस ए मंथ, मतलब महीने में एक बार डीवर्म करने की ज़रूरत है, और 6 महीने के बाद जो है प्रत्येक 3 महीना में एक बार डीवर्म कर सकते हैं। किटन्स या कैट्स के बारे में भी सेम है, सिर्फ इसमें अंतर यह है कि इसे शुरुआती जो डीवर्म किया जाता है वो जब कैट जो है तीसरे सप्ताह या 3 वीक्स का हो जाता है, तब, उससे पहले नहीं। और इसके अलावा जो है आपको एक ध्यान रखने की बात है कि अगर प्रेग्नेंट है कोई डॉग
तो उसके उसके लिए फेनबेंडाजोल का इस्तेमाल करें जो सेफ़ है, और कभी भी नया डॉग लाएं तो उसके डीवर्म ज़रूर करें। तो देखा आपने कितना बढ़िया इन्फॉर्मेशन था। अब आइए देखते हैं डॉग के डीवर्मिंग के कौन से प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं जिन्हें आप इजीली दे सकते हैं, इजीली उपलब्ध हैं। तो मैं दो पपीज़ के लिए और दो एडल्ट डॉग के लिए प्रोडक्ट आपको बताऊंगा। तो पपीज़ के लिए जो पहला प्रोडक्ट है वो है वर्क्स। वर्क्स बीफार कंपनी का है, बहुत ही बढ़िया है। इसे अगर देंगे तो इसे आप 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। मतलब अगर 10 किलो का कोई डॉग है तो 10 ml, 5 किलो का है तो 5 ml। पपीज़ जनरली 10 या 15 किलो से, जर्मन से बढ़े भी अगर है तो 15 किलो से ऊपर नहीं होता है, तो उसे आप उसी हिसाब से देंगे। और एक दूसरा प्रोडक्ट है जो वो भी इजीली अवेलेबल है बाज़ार में, मैं तो लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो है वेंकीज़ का वन स्टॉप। वन स्टॉप लिक्विड भी आप दे सकते हैं एट द रेट 1 ml पर kg बॉडी वेट। और एडल्ट डॉग के लिए आप दे सकते हैं वर्म ट्रैप। वर्म ट्रैप है पेट केयर कंपनी का, पेट केयर कंपनी का वर्म ट्रैप दे सकते हैं, उसके भी लिंक मैं दे दूंगा। और उसे भी आप 1 tablet पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से अपने एडल्ट डॉग को खिला सकते हैं। और दूसरा है कीऑफ प्लस। कीऑफ प्लस है सावा वेट कंपनी का। सावा वेट कंपनी भी बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी है और उसके भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और उसे भी आप दे सकते हैं एट द रेट 1 tablet पर 10 kg बॉडी वेट। अभी सावा वेट से कीऑफ पपी के साथ, कीऑफ प्लस के साथ जो है एक कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दिया जा रहा है, तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉग के लिए कौन सा डीवर्मर इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़रूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में ये बताएं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।